यह हो गया हमारा तलना शुरू। अब आप लोग देख सकते हैं मैं कैसा इसको तल रहा हूँ। ये देखो, ये है फटाफट तलने का तरीका। एक घंटे में कम से कम 2500 पूरी से तलूंगा दोस्तों। अभी देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों पानी पूरी रखने का बिल्कुल एकदम सही तरीका और बेलने का तरीका। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए तो आप लोगों का कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा दोस्तों कि पानी पूरी रखना कैसा है और उसको बेलना कैसा है। दोस्तों बेलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोग पानी पूरी बेलना सीख गए ना तो पानी पूरी एकदम फुली फुली करारी करारी बनेगी, पूरे दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों। और उसके बाद रखने का जो है तरीका वो बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग ऐसा ही करें और ऐसे रखें दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा दोस्तों, एकदम करारी करारी। दोस्तों अब चलो मैं शुरू करता हूँ हम लोग कैसे बेलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा ये पहले कपड़ा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों। यह है पूरा गिल्ला है कपड़ा, ये कच्चा है कपड़ा, इसको हमने कच्चा करके पहले बिछा लिया है शुरू में, एकदम शुरू में दोस्तों। ये गिल्ला कपड़ा है जिसको हम कच्चा कपड़ा बोल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर अब बिछाएंगे सूखा कपड़ा। बिछाओ अब इसके ऊपर हम, देखो सूखा कपड़ा बिछा लिया इसके ऊपर। अब फिर बेल के रखेंगे, देखो ये हिसाब से इसके ऊपर बेल के रखेंगे। देखो यह है बेलने का तरीका बिल्कुल। आप लोग अगर ऐसा बिल्कुल रखेंगे कपड़े के ऊपर ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये कपड़ा आप लोग बिल्कुल देखो, ये कॉटन का कपड़ा है। बहुत लोग फ़ोन लगा के पूछ रहे, कमेंट में पूछ रहे दोस्तों, ये कॉटन का कपड़ा है लेकिन थोड़ा जाड़ा कपड़ा है। ये देखो थोड़ा जाड़ा कपड़ा है, नज़दीक से एकदम दिखा देता हूँ। ये तो थोड़ा जाड़ा है, ये देखो थोड़ा जाड़ा है ये। और कभी भी लेना कपड़ा थोड़ा जाड़ा ही कपड़ा लेना दोस्तों। हल्का, इसमें दो तीन क्वालिटी आती है, इसमें हल्के भी आते हैं दोस्तों। वो हल्के वाला नहीं लेने का है। हल्का कैसा, वो उसमें पूरा नरम हो जाता है, वो क्या बोलते हैं अपना, जल्दी ये बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ये बहुत जल्दी नरम हो जाएगा, पूरा उठाने में पूरा हाथ में उठाने नहीं आएगा पूरा। ये उससे अच्छा थोड़ा मोटा कपड़ा रहे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा और सूखेगा भी नहीं और जल्दी नरम भी नहीं होगा। ये देखो हम लोग ये हिसाब से इसके ऊपर बेल के रखते हैं। उसके बाद फिर इसको वापस से ढक देंगे उसी कपड़े से। ये अभी पूरा बेलने के बाद इसको उसी कपड़े से वापस ढक देंगे हम। यह है बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों। आटा लगाने का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है जी, जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों पहले से, उनको तो सबको मालूम है आटा कैसा लगाने का है। और जो नए हैं दोस्तों वो हमारे चैनल पे आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं, आटा लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। अगर आटा लगाना आप लोग सीख गए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा दोस्तों आप लोगों की पानी पूरी। सिर्फ उसमें जो भी सामान है दोस्तों वो एकदम परफेक्ट रहना दोस्तों, कम ज़्यादा नहीं डालना। कम ज़्यादा डालेंगे तो वो नरम भी हो जाएगा और पपड़ी भी बहुत ज़्यादा बनेगा। उससे अच्छा जो भी है एकदम परफेक्ट डालना, उसके बाद पानी पूरी बनाओ। देखो एकदम परफेक्ट बनेगा, फुली फुली करारी करारी दोस्तों। ये देखो ये ढक दिए उसके ऊपर, अब फिर से उसके ऊपर बेल के रखेंगे। देखो यह है बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों पानी पूरी बनाने का। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, देखो जो कैरी बैग है, कैरी बैग के अंदर पेड़े है इसकी गोली, उसको कैरी बैग में से नहीं निकालने का है, वो कैरी बैग में ही रहेगा। और हवा, और इसको हवा से बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। इसको हवा भी नहीं लगना चाहिए, हवा भी लगा तो ख़राब हो जाएगा, और हवा भी नहीं लगना चाहिए दोस्तों। वो हिसाब से रखें और वो हिसाब से बेलें। और जब इसको बेलने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि एकदम सेट हो जाए सब। उसके बाद इसको पलट के ले जाके तल देने का है दोस्तों। बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये हिसाब से करें एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। जब मेरा बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बनेगा। आप लोगों को लग रहा है मैं झूठ बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है 2-4 दिन तो टाइम लगेगा, जब तक दिमाग में सब बैठेगा नहीं, जब तक बनेगा नहीं, लेकिन एक बार बैठ गया तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा, ये तो मेरी गारंटी है दोस्तों। आप लोग एक बार ज़रूर आजमाएं। ये देखो इसमें पहले सूखा आटा मार दिया गया है पहले से। देखो ये पेड़े काटने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मारे हैं। गेहूँ का आटा है दोस्तों, तंदूरी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं गेहूँ का आटा है, वो पाकिट बताओ। ये देखो ये गेहूँ का आटा है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो आप लोगों को लग रहा होगा तंदूरी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा पैकेट दिखा देता हूं मैं, ताकि भरोसा हो जाए सही है कि गलत है। देखो यहां से शुरू से ये ऐसा, ये
यह गेहूं का आटा, ये देखो बिल्कुल ये गेहूं का आटा है दोस्तों। देखो हम लोग सिर्फ गेहूं का आटा ही वापरते हैं दोस्तों, इससे मैं कभी भी ये झूठ नहीं बोलता कि मतलब तंदूरी है कि ये है कि वो है। देखो सिर्फ गेहूं का आटा है ये, आप लोग ऐसा गेहूं का आटा ही सिर्फ वापरे दोस्तों। मेरा जो भी है 5 किलो रवा और इसमें 1 किलो आटा मिलाता हूँ दोस्तों ये वाला, उसके बाद 5 किलो रवा, 1 किलो आटा, 100 ग्राम बेसन और 25 ग्राम अपना खाने का सोडा, उसके बाद आटा लगा देता हूँ दोस्तों। आटा लगाने के बाद उसको मैं कम से कम 10 मिनट छोड़ देता हूँ करी बैग में डाल के, उसके बाद फिर उसको निकाल के मसल लेना है कम से कम 2 मिनट बिल्कुल एकदम अच्छे से, उसके बाद फिर उसके पेड़े बनाना है। देखो ये है पेड़े बनाने का तरीका, हम लोग ये हिसाब से फिर पेड़े बनाते हैं। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्या तरीका है कैसा है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग तो ऐसा ही बनाते हैं दोस्तों। हम मुझे 10 साल हो गए बनाते बनाते, और कोई नए तरीका होगा तो वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करना मेरे पास, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ नया तरीका क्या है। ये है हमारा तरीका पेड़ा बनाने का, उसके बाद गेहूँ का आटा मिलाने के बाद आ गया यहाँ कैरी बैग के अंदर, उसके बाद फिर यहाँ बेल के देखो ऐसा रख देने का है। ये है बिल्कुल परफेक्ट तरीका दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर आजमाएं, ना समझ में आए तो मुझे फ़ोन बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। देखो ये, और एक ख़ास बात और बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये देखो इसका बेलने का साइज़ देख लो आप, ये अगर आप लोग मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों कि हाँ बेलना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है पानीपुरी के लिए, बेलना अगर सीख गए ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बेलना बहुत ज़रूरी है, मैं इससे हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका साइज, इसका साइज आप लोग देखो, अगर आप लोग बेलना सीख गए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये तो मेरी गारंटी है दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात देखो, उसके बाद वो हो गया, ये आ गया कपड़ा इसके ऊपर, अब इसको हमने ढक दिया, और उसके बाद अब इसके ऊपर फिर से बेल के रखा जाएगा। देखो और ये देखो, ये हमारा कपड़ा दोस्तों, ये हमारा जो भी कपड़ा है आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा छोटा है, ये इसका देख लो, ये इतना बड़ा है सिर्फ। देखो ये मुश्किल से कितना होगा, मेरे हिसाब से 3-3 फीट का है और 2 फीट चौड़ा है दोस्तों। देखो ये 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, देखो ये इतना बड़ा है सिर्फ, ये हिसाब से है ये हमारा रखने का तरीका। ये इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, इससे पूरी भी नहीं सूखेगा, और दूसरी बात जल्दी जल्दी उठा के तेल में भी डालने आएगा, उस ये हिसाब से हम लोग करते हैं दोस्तों कि ताकि जल्दी से हो जाए और हवा ना लगे, और जब हवा लग जाएगा दोस्तों तो पपड़ी पक्का बन जाएगा, हवा नहीं लगा तो पपड़ी नहीं बनेगा। ये हिसाब से आप लोग बनाए बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम बिल्कुल आसान सा तरीका है। और ये कपड़ा जो भी है देख लो, ये कपड़ा जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से, इसका साइज़ देख लो मोटा पतला कितना है, ये हिसाब से इसका, ये ऐसा मोटा देख के ही लेने का है दोस्तों, ज़्यादा हल्का कपड़ा नहीं लेने का, हल्का लिए तो समझ जाओ फिर वो उसमें चिटक जाएगा, चिपक जाएगा दोस्तों, इससे अच्छा है कि थोड़ा मोटा रहेगा बिल्कुल एकदम अच्छा बनेगा। देखो ये हिसाब से बेल के रखने के बाद वापस फिर से इसको ढक देने का, ये देखो ये इसको वापस फिर से ढक दिए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं दोस्तों, आप लोग ये हिसाब से ज़रूर आजमाएं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पूरा फाइनली हो गया है, पूरा बेल के एकदम रेडी। अभी इसके ऊपर देखो दोस्तों, ये हमारा है एक कच्चा कपड़ा, ये इसके ऊपर एक आ गया और एक नीचे, अभी इसको मैं पलटूंगा जब तो पता चलेगा कि हाँ अभी आ गया पूरा इसके ऊपर, अब इसको मैं पलट लेता हूँ पहले दोस्तों। ये है देखो, अब इसको मैं पलट के आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके ऊपर आ गया ये दूसरा है पटरी, एक नीचे है एक ऊपर, अब इसको मैं ऐसा पलट लेता हूँ। देखो अब इसको ये हिसाब से पलट लेने का है, ये देखो ये पहले नीचे था, इसको उठा लेने का है ऊपर। अरे जो कपड़ा नीचे गिल्ला करके रखा था दोस्तों, ये गिल्ला कपड़ा है, ये कच्चा कपड़ा था पहले, ये बिछाया था नीचे एकदम आखिरी में, हाँ शुरू में बेलते वक्त। अब इसको ले चल के तलता हूँ दोस्तों, देखो कैसा एक नंबर फुली फुली बनेगा। ये हो गया हमारा तलना शुरू, अब आप लोग देख सकते हैं मैं कैसा इसको तल रहा हूँ, ये देखो ये है फटाफट तलने का तरीका, एक घंटे में
कम से कम 2500 पूरी तो चलूंगा दोस्तों। अभी देखो, ये देखो, ये है आसान तरीका तलने का। ये देखो, ये हिसाब से फ्राई करो, देखो टाइम भी नहीं लगेगा, और ये हिसाब से अगर बनाए तो बिल्कुल फूली फूली बनेगी। देखो एकदम फूली फूली करारी करारी। ये है आसान तरीका फ्राई करने का। देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।